वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्सेशन विद कुकिंग। उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और क्विक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे ट्रेंडिंग रैप, टू वेज में हम इसको बनाएंगे। रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर रैप बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टॉर्टिया ब्रेड। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नॉर्मल घर की बनी हुई रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसे करना है कट। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये चिकन पॉप टेंडर्स, आसानी के साथ मार्केट में मिल जाते हैं। और इसको मैंने जस्ट फ्राई कर लिया और इसको हम रख देंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा हम इस पर ड्रिजल करेंगे अपना ये मेयोनीज। आप चाहें तो केचप या कुछ भी जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी नहीं वेजीज। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ आइसबर्ग लेटस। आप नॉर्मल जो है लेटस लीव भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। अब इसको करते हैं रैप। चले जी, आपने इस तरीके से एक पोर्शन को उठा के रखना है इसके ऊपर। चले जी, अब नेक्स्ट स्टेप को रैप करने से पहले मज़ीद इसे टेम्पटिंग बनाने के लिए यहाँ मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी थोड़ा सा ये चीज़। दैट्स इट। अब हम इसको कर देंगे फोल्ड दिस वे। दैट्स इट। और अब इसको करेंगे फाइनल स्टेप लाइक दिस। नाउ यू कैन सी हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त रैप बनकर रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से हम अपना एक और डिफरेंट रैप रेडी कर लेते हैं। अब हमारा सेकंड वे का जो हमारा रैप है उसको रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने एक और टोर्टिया ब्रेड ले ली और इस तरीके से उसको आपने करना है कट। और इन दिस रैप आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शामी कबाब। ये होममेड शामी कबाब है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप चेक कर सकते हैं बीफ शामी कबाब के नाम से। और इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली रखेंगे आइसबर्ग लेटस, सम वेजीज। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और इस पे हम ऐड करेंगे सम केचप। दैट्स इट। और इसको भी सेम प्रोसेस के साथ हम कर देंगे रैप। दैट्स इट। देयर यू गो। और यू कैन सी और टू डिफरेंट वेज ऑफ रैप्स आर रेडी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप जी। अब यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन रख दिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया। और इस पर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बटर। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल किसी भी तवे वगैरह पर भी इसको आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मक्खन ना हो अगर आपके पास तो आप जो है नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बटर से इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग बटर। और जैसे ही हमारा जो बटर है वो मेल्ट होता है हमने इस तरीके से इसे स्प्रेड करना है ऑल ओवर द पैन। और बहुत एहतियात के साथ अपने जो रैप हैं ये हमने इसके ऊपर रख देने हैं ऐसे, और हल्का सा इन्हें करना है प्रेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा जो है कलर इनके ऊपर आ चुका है और हमने इसे कर दिया फ्लिप। अब दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक हमने इसे पकाना है। नाउ हियर यू कैन सी दोनों साइड्स पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। नाउ इट्स टाइम टू डिश आउट।
देयर यू गो, हमारे ट्रेंडिंग रैप्स आर रेडी टू सर्व। ये थे टू वेज जिससे आप जो है ना दो तरह के रैप बना सकते हैं घर पर, बहुत इजीली और बहुत क्विक बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।